कर्नाटक फतेह के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। पहले हिमाचल जीता और अब कर्नाटक। चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, पार्टी को 136 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां 10 मई को सूबे की 224 विधानसभा सीटों पर 72.82% लोगों ने वोट डाले थे। इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। तो चलिए आपको इस जश्न की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना से दिखाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, सतना जिले के नागौद विधानसभा में नागौद नगर पंचायत हॉस्पिटल चौराहा पर कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई है एवं मिठाइयां भी बांटी गई हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं की खुशी को। हमारे सहयोगी राबेंद्र उर्मलिया के मुताबिक इस दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेसियों को कर्नाटक में मिला है, उसी प्रकार से हम यह आशा करते हैं कि आने वाले साल 2023 यानी कि इसी साल मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बजरंग बली कांग्रेसियों पर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। कर्नाटक तो शुरुआत है, अगली बारी मध्य प्रदेश की है। पूरी बीजेपी ने मिलकर कर्नाटक में नफरत फैलाने का भरपूर प्रयास किया, सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग किया, परंतु जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ प्रमुख रूप से डॉक्टर सना खान, अंजू खान, हीरेंद्र पटेल, अमीन खान, कलीम सलमान, अरुण सिंह पहलवान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।